गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम नहीं जानते आपकी सुबह कैसे होती है, मगर हम गांव देहात में रहने वाले इंसानों की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से होती है। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। चूंकि अब ठंड आने वाली है ना, तो थोड़ा थोड़ा कोहरा भी छाने लगा है। गुड मॉर्निंग के समय में यही होता है। देखिए चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बस हर तरफ जंगल ही जंगल है हमारे घर के आसपास, और कोहरा इस तरह से दिख रहा है जानो मानो आप सब देख सकते हैं, वो देखिए सामने कोहरे के चलते बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो शायद सनराइज़ आज थोड़ा सा लेट से हो, इसका कोई वो नहीं हो सकता। देखिए अभी चारों तरफ कितना कोहरा छाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पीछे देख लीजिए, चारों तरफ बस कोहरे ही कोहरे नज़र आ रहे हैं आपको, और सामने इतना कोहरा है कि बर्दाश्त ना हो सके। ये देखिए, जिसके चलते आज शायद सूरज थोड़ा लेट से निकले, कम से कम 6 बजे के आसपास, क्योंकि सनराइज़ होने वाला है। तो आइए हम सब थोड़ा सा योगा कर ले, क्योंकि योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। योगा करने से, व्यायाम करने से बहुत ही सारे शरीर के जो अंग हैं वो अच्छे से रहते हैं, और सेहत आपकी बहुत ही अच्छी रहती है। तो अभी सुबह के 5:45 के आसपास हो रहे हैं, तो हम सब योगा कर लेते हैं एक्सरसाइज। अभी जो हमने योगा किया वो थोड़ा बुज़ुर्गों टाइप वाला है, हम अपनी एक्सरसाइज ही करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे पीढ़ी को भी जमता है और हमारे टीनेजर्स को भी जमता है। तो ये योगा सही है अपनी जगह पे, लेकिन एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए। गुड मॉर्निंग, कोहरे भरी हुई है तो यार एक्सरसाइज थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है बॉडी के अंदर। तो थोड़ा एक्सरसाइज को हम बढ़ा देंगे आज। हमने एक्सरसाइज करने के लिए अपनी चटाई बिछा दी है, तो अब चलिए करते हैं एक्सरसाइज। तो फाइनली हमने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है, जो कि एक ऐप कराता है, बहुत ही अच्छा कराता है। पसीना पसीना से वो हो गए, अब जा रहे हैं, मुंह धोएंगे, फ्रेश व्रेश होएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे और अपने सबसे बढ़िया ट्री को पानी देंगे। एक काम करते हैं, पहले ट्री को पानी दे देते हैं, क्योंकि ट्री बहुत ज़रूरी होता है सुबह सुबह। एक तो धूप और दूसरा पानी, ये दोनों ही मिलते हैं ट्री को ना, तो ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बाय द वे, ट्री का नाम तो क्या बोलते हैं, मैंने ग्रूट रखा है, क्योंकि मुझे मार्वल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चूँकि मैं मार्वल्स का फ़ैन हूँ, इसलिए इसका नाम मैंने क्या बोलते हैं, ग्रूट रखा है। पपीतों को सबर का फल मीठा होता है, इसलिए मीठे फल खाने के लिए पानी भी देना पड़ता है दोस्त। गाइस, आप सब देख सकते हैं, ये हमारे घर के सबसे छोटे लड़के हैं, इनके लिए देखिए ये इतना सामान है, और ये खाने के लिए ये इतना पूरा है। ये आप सब देख सकते हैं कि ये कितना ढेर खाता है, और ये यही है, यही लड़का है। ऊपर थोड़ा मुंडी करो तो तुम ये देखिए, ये नीचे शर्म के हमारे नीचे कर रहा है, लड़के लग रहा है ये तो। ऊपर मुंडी करो थोड़ा, ये देखिए शर्मा गया। गाइस देखिए, फाड़ा, फाड़ने के बाद ये इसमें रखा, अभी इसमें रख रहा है, जमा करके सब एक साथ खाए गए, यही है लड़का है। शाम का वक्त हो रहा है, क्रिकेट की प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, केले शेले खा लें ताकि बॉडी को अच्छा। तो आप सभी देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न गया है, तो बरसात के सीज़न में अक्सर धान की खेती की जाती है, और ये धान जो कि राइस बनता है, और फिर धीरे धीरे जाके इस जूम एंगल से आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत धान आ गया है अभी।
क्योंकि ये कच्चे हैं अभी थोड़े थोड़े से, बट अब जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पे पूरा बारिश का पानी भरा हुआ है इसके, इसलिए अंदर नहीं जा सकते, नहीं अंदर जाएंगे तो पूरा पैर हाथ चिक्खल चिक्खल हो जाएगा। इस पे अब सूरज की ठंडी ठंडी किरणें, क्योंकि अभी सन सेट होने वाला है तो इसमें सूरज की गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत दिख रहा है। देखिए आप सभी, धान की खूबसूरती को चार चांद लगाता है ये आसमान, जो कि हल्के से हरे नीले पीले काले होते हैं, और जब काले होते हैं बरसते हैं धान में, गिरते हैं धान के साथ। ये देखिए सूरज का किस तरह से सनसेट हो रहा है, देखिए सूरज की किरणें बाकायदा धानों पे पड़ रही हैं और धान कितने अच्छे तरीके से हरे भरे दिख रहे हैं। चूँकि अभी फिल्म जवान ने बहुत ही बड़ा किरदार निभाया है, शाहरुख खान ने एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है कि यार अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है ना, तो कोई उसके वो नहीं करता है, उसकी कोई मदद नहीं। अगर आपने शाहरुख खान की जवान फिल्म देखी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आपने देखी है, और प्लीज़ अपने गांव के, शहर के, कस्बे के, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ के किसानों की इज़्ज़त करें, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे और किसान जब अनाज नहीं उगाएंगे तो फिर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी भूखा मर जाएगा, वो आपको आप पेट नहीं पाल सकता। थैंक यू, बस इतना ही कहना था। चलिए बाज़ार चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। अब मम्मी ने कह दिया है कि जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लेके आओ, तो चलते हैं बाज़ार। यार बादलों को देख करके सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि इन बादलों में खो सा जाओ, क्योंकि यहाँ बारू का पूरा ठेका पड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके ये बालू बिछती हैं। और देखिए सूरज को कितने खूबसूरती से ढल रहा है, चार चांद लगा देता है यार। कुदरत ने भी ये जो चीज़ बनाई है वो कमाल की इस दुनिया को बनाया हुआ है। हम गाँव के बाज़ार पहुँच चुके हैं, चूँकि ये गाँव का बाज़ार है तो बहुत छोटा है और बहुत ही मतलब मीडियम साइज़ का, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जैसे शहरों के बाज़ार रहते हैं एकदम बड़े से, लेकिन ये ठीक ठाक ही है। अब यहाँ से सब्ज़ी वब्जी ले करके हम अपने घर वापस चलेंगे। हमने 100 रुपये की सब्ज़ी खरीदी मगर झोला भर खरीद लिया। राहिल भाई यहाँ पे सब्ज़ी लेके जा रहे हैं बाकायदा, एकदम खूबसूरत लग रहे हैं अपने गाँव के अंदर। गाँव का रास्ता बहुत लंबा है, अभी 5-10 मिनट पहुँचने में लगेंगे। मुझे कुदरत की दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले ये बादल जो कि अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से ढलते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, है ना, और दूसरा ये चाँद। मेरे घर में भी और मेरे पास भी एक चाँद है, बट ये चाँद सबसे बड़ा चाँद है, जो कि क्या बोलते हैं हम सबको रोशनी देता है। और यहाँ पर सूरज ढल रहा है और चाँद के निकलने का समय हो रहा है, तो देख रहे हैं ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है यार ऐसे ही। मतलब राहिल भाई ने आज चैलेंज दिया है हम लोग को कि हमसे ज़्यादा पुशअप मार लें, आगे नहीं है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, काफ़ी अच्छा पुशअप मार लेते हैं साहिल भाई हमारे। एंगल है ये दोनों अंदर आएगा, ये पूरी बॉडी आएगी, 1, 2, 3, 4, ये 5, इस तरीके से मारा जाए। तो गाइज रात के अब 10:30-11 बजने जा रहे हैं, हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं सोने। तो गुड नाइट, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय।